हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं RIT रुड़की कॉलेज के बारे में, यानी कि रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज के बारे में, जो कि उत्तराखंड रुड़की में है। जो कि ये कॉलेज है ना, A++ ग्रेड नैक ग्रेड के साथ एक कॉलेज है, और ये कॉलेज में अभी एडमिशन ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 24 और 25 सेशन के लिए एडमिशन ओपन हो चुका है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एक काफी अच्छा ये कॉलेज है, नैक डबल ए प्लस ए ग्रेड का यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और बहुत सारे कोर्सेज कॉलेज में अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको कोर्सेज करने हैं, यहाँ पे जाके आप परस्यू कर सकते हैं। तो इस कॉलेज में 2024-25 सेशन के लिए एडमिशन ओपन हो चुका है, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस कॉलेज में तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से अप्लाई कर सकते हैं इस कॉलेज में। इस कॉलेज में कोर्सेज की हम बात करें, बहुत सारे इसमें कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि BTech, MBA, MBA ग्लोबल, BBA, BCA, MCA, MTech, BSc, ऑप्टोमेट्री, BEd, और बहुत सारे कोर्सेज इस कॉलेज में अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, और जो आपको करना है वो यहाँ यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई करके कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। इस कॉलेज के हाईएस्ट पैकेज की हम बात करें, इसमें 36.5 लाख पर एनम के हिसाब से इसमें पैकेज हाईएस्ट किया है, तो आप जान सकते हैं कितना ज्यादा पैकेज इस कॉलेज का किया है। और RIT रुड़की जो है, जैसा कि हम आपको पहले बताया, नैक ग्रेड A++ के अंडर आता है। आप समझ सकते हैं कि नैक का जो ग्रेड होता है कितना ज्यादा इसमें है, A++ है, तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा ये कॉलेज होगा, ठीक है। अगर आप बिहार के स्टूडेंट्स हैं तो बिहार से आप यहाँ पे जाते हैं, इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तब का लोन दिया जाएगा, जिसके हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं, और 4 लाख तक आप कोर्स कम हो सकता है, स्कॉलरशिप आपको बिहार सरकार के द्वारा से मिल सकता है। और इस कॉलेज में पढ़ने के दरमियान आप 100% तक स्कॉलरशिप ले सकते हैं, ठीक है, 100% तक। समय ये भी बहुत अपने आप में बड़ी बात होती है। इसमें 100+ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, और IEEE कॉन्फ्रेंस हर साल होते हैं। और इस कॉलेज में 24x7 कैंपस, मतलब डॉक्टर्स फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा ये चीज है। मेडिकल फैसिलिटी के हिसाब से आपको मेडिकल में कभी दिक्कत हुआ तो हमें एक काम आ सकता है। तो यहाँ पे हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि हम किसी भी एक कोर्स का आपको बता देता हूँ, जैसे बीटेक सीएससी के लिए हम बात करें तो इसमें 1,29,900 आपको लगेंगे फर्स्ट ईयर में फीस लगेंगे, और फर्स्ट ईयर में हॉस्टल फी आपको लगेगा 75,000, सेकेंड ईयर में आपको फीस लगेगा कोर्स का 1,19,900, और सेकेंड ईयर का हॉस्टल का फीस होगा 75,000, थर्ड ईयर में आपको लगेगा 1,19,900, और थर्ड ईयर में आपको हॉस्टल का फीस लगेगा 75,000, और फोर्थ ईयर में भी हॉस्टल फीस आपका उतना ही है 75,000। फोर्थ ईयर में आपको कोर्स फी लगेगा 1,29,900, तो आपका पूरा टोटल लगा के हॉस्टल फीस और कोर्स फी दोनों लगा के आपका हो जाता है बीटेक सीएससी के लिए 7,89,600 टोटल आपके कोर्स फी बनते हैं। तो इस तरह से आपको कोई भी कोर्स इसमें करना होगा, देख सकते हैं यहाँ पे आप किसी भी कोर्स का फीस यहाँ देख सकते हैं। और बिहार स्टूडेंट के लिए, जैसा कि मैं आपको पहले बताया, क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, गवर्नमेंट के हिसाब से आप 4 लाख तक लोन ले सकते हैं, 4 लाख तक स्कॉलरशिप ले सकते हैं, और आपका कोर्स में 4 लाख तक कमी हो सकता है, उसके बाद बाकी जो बचता है वो अपने हिसाब से आप दे सकते हैं, और आप यहाँ पे कोर्सेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो देख सकते हैं फीस भी ज्यादा नहीं है, ठीक है, आपको ठीक लगे तो यहाँ पे आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। एमसीए की बात करें, इसमें फर्स्ट ईयर का जो फीस है 1,15,000 है, और इसका हॉस्टल फी है 75,000, और सेकेंड ईयर का फीस है 1,05,000, और यहाँ पे हॉस्टल फीस जो है 75,000, ये टोटल आपका बनते हैं 3,70,000। तो ये सब बातें हैं, और इसके साथ साथ कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। हॉस्टल जो आपको अलॉट होगा, एबिलिटी के हिसाब से आपको अलॉट किया जाएगा। इस कॉलेज में आप एडमिशन आप लेते हैं तो हॉस्टल फैसिलिटी जो है आपको, हॉस्टल फैसिलिटी आपको दिया जाएगा, और फीस जो आपसे लिया जाएगा पर ईयर के हिसाब से लिया जाएगा, और जो भी नॉन रिफंडेबल, एक बार आप पैसा पे कर देते हैं फिर आपका ये पैसा रिफंड नहीं होगा, यहाँ पे साफ साफ रूल्स के हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है। हॉस्टल चार्जेस अगर आप दे देते हैं, अगर हॉस्टल आप छोड़ते हैं तो आपका हॉस्टल का फीस है ना वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। और हॉस्टल फीस आपको ईयर बाई ईयर वेरी कर सकता है, और हॉस्टल का एग्जामिनेशन फी, प्रैक्टिकल फी, ERP और चार्जेस है ना, यूनिवर्सिटी के नॉर्म से आपको एक्स्ट्रा लिया जाएगा, ठीक है। कितना लिया जाएगा यहाँ पे मेंशन नहीं है, और हॉस्टल द फीस मेंशन इज प्रोविजनल फी, इज ओनली सब्जेक्ट टू चार्ज चार्ज एज पर द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस। और ये जो फीस यहाँ पे मेंशन है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रेगुलेशन के हिसाब से हो सकता है ये चेंज भी हो जाए, लेकिन ये
फिलहाल के लिए यही रहेगा, ठीक है, इसी को आप मान के चल सकते हैं। इनफॉर्म चार्जेस आपको वन टाइम लिया जाएगा 7,000, होस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट वन टाइम आपसे लिया जाएगा 3,000, और स्टेशन कुछ चार्जेस है, बीटेक सीएससी सीएससी या सीएससी AI या ML करते हैं तो आपको 25,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस लिया जाएगा जो कि वन टाइम होता है। बीटेक अदर ब्रांचेस BCA या BBA करते हैं तो 10,000 आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। MBA में एडमिशन लेते हैं तो आपको 25,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। MCA और MTech करते हैं तो 10,000 आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और भी जितना कोर्सेस है उसमें अपना फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई भी क्यूरी रहता है या फिर कोई भी डाउट रहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, वहां से अपना डिटेल को डाल के, ठीक है, अपना डाउट्स को और क्यूरी को सॉल्व कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में अप्लाई का भी लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया जाएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको पेज खुलेगा। वहां पे आने के बाद आपको यहाँ पे नेम मांगा जाएगा, अपना नेम डाल देंगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देंगे और यहाँ पे अपना फोन नंबर डालने के बाद आपको किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं अपना कोर्स का नाम यहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।